हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी 24/7 चैनल पे। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में बैक्टीरिया से होने वाले रोग देखे थे, आज हम लोग पढ़ेंगे वायरस से होने वाले रोग। ठीक है दोस्तों, तो देखिए वायरस से होने वाले रोग कैसे हम आसानी से याद करते हैं। रेखा हमें हिट करके पोएछे को पीछे याद कर लीजिएगा, छोड़ गई। रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, ठीक है। अब देखिए र से क्या हुआ दोस्तों, रस हुआ रेबीज। रेबीज हमें कुत्ता बिल्ली बंदर के काटने से होता है। ख से क्या हुआ, खसरा। ह से होगा हर्पीज। जो मे से मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस कहाँ होता है दोस्तों, मस्तिष्क में, दिमाग में होता है। मेनिंजाइटिस दिमाग में होता है। ही से क्या होगा, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस या पीलिया भी इसको बोलते हैं, ये किस में होता है, लीवर में। ट से क्या होगा, ट्रिकोमा। ये कहाँ पे होता है दोस्तों, आंख में, आंख की बीमारी। ऐसे ही पूछ लेता है कि ट्रिकोमा किसकी बीमारी है, तो डायरेक्ट आपको देना है आंख की बीमारी है। मेनिंजाइटिस कहाँ पे होता है, ये दिमाग में होता है, ठीक है। फिर करके पो से आ गया, पो से क्या होगा, पोलियो, दो बूंद जिंदगी। ए से हो गया एड्स। छो से क्या होगा दोस्तों, छो से होगा छोटी माता, जिसको हम चिकन पॉक्स भी बोलते हैं, छोटी माता जो होती है, छो से छोटी माता हो गया। क्या होगा, डेंगू। और ग से क्या होगा, गलसोंद। आई से इन्फ्लुएंजा, ठीक है दोस्तों। आज हमने वायरस से होने वाले सारे बीमारी देख लिए। रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, ठीक है। पोएछे को पीछे पढ़ लीजिएगा। रे से हो गया रेबीज, जो कुत्ता और बिल्ली काटने, कुत्ता बिल्ली बंदर काटने से होता है। ख से खसरा, ह से हर्पीज, मे से मेनिंजाइटिस, दिमाग में होता है, दिमागी बुखार है एक टाइप का। ह से हेपेटाइटिस, और जिसको पीलिया लीवर में होता है। और ट से ट्रिकोमा, आँख में होता है। पो से हो गया पोलियो। ए से एड्स। छ से छोटी माता। अंग से डेंगू। ग से गलसोंद। और ई से इन्फ्लुएंजा। एक बार देख लीजिए दोस्तों ध्यान से। चलिए दोस्तों, तो इस तरीके से हमने वायरस से होने वाले सारे बीमारी को याद किया। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बैक्टीरिया और वायरस पढ़ लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोटोजोआ से होने वाले बीमारी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।